पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल पर इंदौर और डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलने वाली जिसका मेंटेनेंस इंदौर और डॉक्टर अंबेडकर नगर कोचिंग डिपो में होता है, सभी ट्रेनों में कोरोना वायरस के बचाव के लिए दिनांक 15 मार्च 2020 से सभी ट्रेनों के एसी कोचों में कंबल वितरित नहीं किए जाएंगे और पर्दे हटा दिए जाएंगे। यह कार्य रेल में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों के कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण कदम है। अतः कल से वातानुकूलित सभी श्रेणी प्रथम एसी, द्वितीय एसी और तृतीय एसी के यात्रियों को केवल तकिया और चादर का ही वितरण किया जाएगा। साथ ही कोच का वातानुकूलन सामान्य रखा जाएगा जिससे यात्रियों को कंबल की आवश्यकता न हो। भारतीय रेलवे पे ये महसूस किया गया है कि जो वर्ल्ड में फैल चुका कोरोना वायरस के लिए पूरी तरह से रेल प्रशासन आगे आया है। उसने पूरे इंडियन रेलवे पे जो भी सेकंड एसी, थ्री एसी और फर्स्ट एसी में जो लीनन सप्लाई होता है उसमें जो कंबल होता है और जो पर्दे होते हैं उसको हटाने की तत्काल प्रभाव से व्यवस्था की है। पश्चिम रेलवे ने निर्णय लेते हुए तत्काल प्रभाव से आज से ही इंदौर से, उज्जैन से और रतलाम से पास होने वाली गाड़ियां और इंदौर डॉक्टर अम्बेडकर नगर से चलने वाली गाड़ियों में से जो सभी ट्रेनों में से जो एसी के जो कंपार्टमेंट हैं उसमें से पर्दों को हटाया है। साथ में जो लिनन जो बेडरोल सप्लाई होता था उसमें कंबल को हटा दिया गया है, कंबल को नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी यात्री अगर अपना खुद का कंबल और वो लेके आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और क्योंकि रेल प्रशासन उस डब्बे के टेम्परेचर को इस तरह का रखेगा कि इसमें कंबल की आवश्यकता ना हो और जो भी उस टाइम तकिए और उनको जो चादर है वो आपको दी जाएंगी, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त चादर भी दी जा सकती है।